સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાળા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું મેં કાજલ હિંગુ કક્ષા ચાર વિષય હિન્દી ઇકાઈ તીન શરીર કે અંગ યાની શરીરના ભાગો तो विद्यार्थी मित्रों બધા કેમ છો મજામાં ને ઓકે તો મેને આપકો એકાઈ 1 ઓર એકાઈ 2 યાની સ્વર ઓર વ્યંજન કે બારે મેને આપકો પઢાયા થા તો આપકો પઢાના ઓકે અને મે તમને શું કહું તો કે નોટ માં લખવાનું કહું તો અને ચોપડી માં લખવાનું કહું તો તમે બધું હોમવર્ક લખી નાખ્યું હશે હે ને ઓકે તો આજ હમ इकाई तीन यानी शरीर के अंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी ओके तो सबसे पहले एक बालक का चित्र आपके सामने है तो ये चित्र आप देखें, ध्यान से देखना है लेकिन आपके पास पुस्तक है ना ओके तो पुस्तक लेकर बैठ जाइए चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए तो आपको मेरे साथ बोलना है ओके तो सबसे पहले कौन सा है भाग हमारे शरीर का कौन बोलेगा ओके सिर सिर यानी माथु सिर पे क्या उगता है सबके सिर पे है ना कुछ है ओके तो सिर के ऊपर बाल है तो इसे क्या कहते हैं बाल, यानी वाड़, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाल, कान कान है सभी के ओके तो आप टच कीजिए अपने कान पर ओके है ना आपके कान तो इसे गुजराती में क्या कहते हैं कान ही कहते हैं ओके आँख आँख तो सभी के कितनी है एक है या दो ओके दो है वेरी गुड तो आँख तो आँख को गुजराती में आँख ही कहते हैं मुँह आपके मुँह कितने हैं एक कि दो है एक ही है वेरी गुड तो मुँह यानी मोढ़ू जेना आप भोजन करिए छे नाक नाक सबके पास कितने हैं दो है किसी के नहीं है ना? तो हमारे सबके मुख, चेहरे पर एक ही नाक है ओके तो नाक यानी नाक नाक से क्या कहते हैं? करते हैं हम श्वास लेते हैं ओके अंगूठा ओके अंगूठा यानी अंगूठो गर्दन यानी गड़ू गर्दन यानी गड़ू हाथ हाथ यानी हाथ सभी के दो हाथ होते हैं कंगा यानी खबो कोहनी यानी कोणी सीना यानी छाती पेट यानी पेट कलाई कलाई यानी कांडो कमर ओके ये चित्र आपको ध्यान से देखना है चित्र में जो आपके सामने पुस्तक में एरो एरो दिखाई देता है ना यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि किसे पेट कहते हैं किसे कमर कहते हैं किसे हाथ कहते हैं ये सब आपको ध्यान से देखना है और बोलना है तो पेट यानी पेट कमर यानी कमर हथेली यानी हथेली घुटना यानी घुटन पैर यानी पग टखना यानी गुटी एडी यानी एडी तो आप सबने बोला ना सरी के अंक के नाम ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा ओके तो हम आगे चलते हैं ये क्वेश्चन है पढ़िए समझिए और लिखिए तो आपको सभी विद्यार्थियों को शरीर के अंग सब याद करने हैं और लिखने हैं तो पहले है सिर माथू तो आपको ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और गुजराती में भी लिखा हुआ है तो आपको ये सब आपको यहाँ पुस्तक में लिखना है और नोट डाउन भी करना है सिर माथू नाखून नख जीभ जीभ कलाई कांडो चमड़ी चामी पैर, पग हड्डी हड़कू तो हम स्वधेह की ओर जाते हैं तो प्रश्न एक हमारा है प्रत्येक चित्र के नीचे उसका गुजराती और हिंदी का नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए तो यहाँ एक कोष्टक है गुलाबी कलर का आपको दिखाई देता है ना तो ये आपको इसमें से उत्तर ढूंढकर चित्र के नीचे गुजराती में और हिंदी में लिखना है ओके तो सबसे पहले कौन सा चित्र है जीभ का वेरी गुड जीप तो आपको कोष्टक में दिए गए हैं ओके तो इसमें के उनमें से आपको ढूंढकर लिखना है पहले आपको गुजराती में लिखना है और फिर हिंदी में लिखना है ओके तो, तो हम अगले चित्र पर जाते हैं तो ये कौन सा चित्र है कौन बोलेगा ओके वेरी गुड ये अंगूठा का चित्र है ओके तो आप पहला शू लखीसू गुजराती में अंगूठो और हिंदी में अंगूठा ओके तो अगले चित्र कौन सा है आप एरो देखिए तो इसे क्या कहते हैं पैर पैर कहते हैं इसे विद्यार्थी मित्रों नहीं ना ओके ये घुटन का चित्र है किसका है तो हम सबसे पहले गुजराती में क्या लिखेंगे घुटन और हिंदी में घुटना अगले चित्र किसका है आप एरो देकर जवाब दीजिए ओके तो ये चित्र गर्दन का है किसका है गर्दन यानी गड़ू तो आप पहला शू लखीश गड़ू और हिंदी में गर्दन तो आप सबने लिख लिया ना ओके अगले चित्र कौन सा है होठ ओके होठ गुजराती में शू कहीसू होठ और हिंदी में ओट अ लिखना है आपको क्या लिखना है यानी ओट अगला चित्र आँख का है किसका है आँख तो गुजराती में भी आँख बोलते हैं और हिंदी में भी ही बोलते हैं और तीसरा चित्र है आप एरो देखे और बोलिए ओके वेरी गुड ये कौनिनू चित्र ચે એને ગુજરાતીમાં શું કહીશું પહેલા આપણે કોણી અને હિન્દીમાં કોહની ઓકે તો આપણે લખા ઓકે અબ लास्ट चित्र किसका है आप एरो देखिए किस पर एरो देखा गया है आपको वेरी गुड નખ यानी नाखून ગુજરાતી મે ہم پہلے લખेंगे નખ اور હિન્દી મે नाखून तो विद्यार्थी मित्रों आपने सब लिख लिया ना ओके वेरी गुड हम दूसरा प्रश्न पर जाते हैं गुजराती नाम के पास उसका हिंदी का नाम लिखे कौन सा है गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखे तो विद्यार्थी मित्रों आपके पुस्तक में पहले गुजराती में लिखा है सबके नाम कौन से शरीर के अंग के नाम तो आपको ये नाम हिंदी में लिखना है ओके तो पहला है माथु माथु यानी सिर छाती छाती यानी सीना आँख आँख यानी आँख कमर कमर यानी कमर मोडू मोडू यानी मुंह कोणी कोनी यानी कोहनी कान कान यानी सुत से कान ने कान पग पग यानी पैर अंगणी अंगड़ी यानी उंगली खबो खबो यानी कंधा हथेड़ी हथेड़ी यानी हथेली कांडू कांडू यानी कलाई तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये समझ में आया ना पहले आपको गुजराती में लिखना है और गुजराती का हिंदी में नाम लिखना है ओके दूसरा यानी तीसरा प्रश्न हिंदी नाम के पास उसका गुजराती नाम लिखे तो विद्यार्थी मित्रों आप देखें पहले गुजराती में नाम लिखे थे और आपको हिंदी में नाम लिखना था और तीसरा प्रश्न है हिंदी में नाम लिखे गए हैं और आपको इसका गुजराती में नाम लिखना है तो पहला है बाल यानी वाड़ पेट यानी पेट हाथ हाथ यानी हाथ नाक नाक यानी नाक घुटना घुटना यानी घुटन एडी एडी यानी एडी उंगलिया विद्यार्थी मित्रों घुटी वेरी गुड तो विद्यार्थी मित्रों आपको इकाई तीन शरीर के अंग मैंने आपको पढ़ाया समझाया और आपको बुलाया ओके तो आपको ये सब शरीर के अंग याद करना है और कंठस्थ करना है ओके तो ये सब आपको नोट डाउन करना है और पुस्तक में भी ये स्वाध्याय लिखना है तब तक अस्तु सत केवल साहेब